2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को और तेजी देने में जुट गए हैं। कांग्रेस विपक्षी एकता पर जोर दे रही है, तो बीजेपी लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए भगवा पार्टी राजभर की SBPS और जयंत चौधरी की RLD को एनडीए में शामिल करने की कोशिश में लगी हुई है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में काफी समय से जयंत चौधरी की पार्टी RLD के बीजेपी संग जाने की अटकलें लग रही थी। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है। इसी बीच RLD ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के सामने शर्त रख दी है। RLD ने सपा से मांग की है कि उसे 12 सीटें दी जाएं। जयंत चौधरी का सपा से 12 सीटों की शर्त रखना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि शायद बीजेपी से उनकी बात नहीं बन पाई। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी से उन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बात की थी और पश्चिम यूपी की कई सीटों पर दावा ठोका था। वहीं बीजेपी का कहना था कि वह अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर ले या फिर गठबंधन करना है तो एक या दो सीट से ही संतोष करे। इसके बाद जयंत चौधरी नए सिरे से संभावनाएं तलाश रहे हैं। अखिलेश के साथ रहेंगे जयंत? बीजेपी से बात न बनने की स्थिति में ही जयंत एक बार फिर से अखिलेश के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा का अब तक किसी बड़े दल के साथ गठबंधन का प्लान नहीं है। जयंत चौधरी ने सपा के सामने बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, बागपत और मथुरा की सीटों पर दावा ठोक दिया है। ये सारी सीटें जाट बाहुल्य हैं और जयंत चौधरी सामाजिक समीकरण और सपा के यहाँ कमजोर रहे इतिहास का हवाला देते हुए दावा ठोक रहे हैं। क्यों ज्यादा सीटें चाहते हैं जयंत? चुनाव आयोग ने RLD का राज्य स्तर का दर्जा खत्म कर दिया है। जयंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को फिर से राज्य स्तर का दर्जा दिलाने की है। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने गठबंधन की पहली शर्त सीटों का ही रखा है। जयंत कम से कम RLD के लिए 8 सीटें चाह रहे हैं, जिससे वोट प्रतिशत में इजाफा हो और उसका दर्जा वापस आ सके। राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए RLD को कम से कम 6% वोट पाना होगा। RLD को उम्मीद है कि वह लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसे वापस मिल सकेगा। विपक्ष की महाबैठक में होंगे शामिल। खबर ये भी है कि 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में जयंत शामिल हो सकते हैं। इससे पहले वह 23 जून को पटना में हुई मीटिंग में नहीं गए थे। तब RLD ने कहा था कि जयंत चौधरी इंग्लैंड में थे, इसलिए पटना में हुई विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। जयंत के इस कदम को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से चल रही अनबन से जोड़कर देखा जा रहा था। दरअसल सपा और RLD के बीच इसी साल हुए नुकाय चुनाव के बाद संबंध बिगड़ गए थे। मेरठ की मेयर सीट समेत कई जगहों पर सपा के साथ RLD के मतभेद थे। इसके बाद ये कयास भी लगाए गए थे कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी मोहर नहीं लग पाई। संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर सपा से फिर झटका लगता है तो जयंत चौधरी BSP और कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं।